एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद फाइनली मोटोरोला ने एक धांसू कमबैक किया है, वो भी ऐसे टाइम पर जब बाकी सभी स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने प्राइस रेट काफ़ी हाई कर रखे थे। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को 15 से 20 हज़ार के प्राइस सेगमेंट पर लेकर आ जाता है तो बाकी सभी मोबाइल कंपनीज की वॉट लगने वाली है, और ऐसा ही हुआ। सो आज मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया एक पावरफुल मिड रेंज डिवाइस, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, जो कि आप कह सकते हैं कि एक तबाही डिवाइस है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वेल इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और उसके बाद आप खुद इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट गाइज, लेट्स चेक आउट मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। इन केस यू डोंट नो, मोटोरोला इज़ अ वेरी पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड इन US, और इंडिया में भी इस ब्रांड को काफ़ी पसंद किया जाता है। पर्सनली मैंने भी मोटोरोला की पॉपुलर जी सीरीज़ में काफ़ी सारे डिवाइस यूज़ किए हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि जो लोग मोटोरोला डिवाइस यूज़ कर चुके हैं वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि मोटोरोला किस तरह के स्टडी डिवाइस बनाने के लिए जाना जाता है। सो अगर बात करें मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की, तो सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस का प्राइस बता देता हूँ, जो कि एज ऑफ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिवाइस का। इस डिवाइस का 6GB 128GB स्टोरेज वेरियंट आपको सिर्फ 17,000 के प्राइस बजट पर मिलता है। सो गाइज, अभी के लिए दिस इज ओनली द डिवाइस जहाँ आपको स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर इतने पावरफुल स्पेक्स ऑफर किए गए हैं। ये डिवाइस 6.5 इंचेस के फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, नो पंच होल, नो कैमरा कटआउट्स, एक फुल व्यू डिस्प्ले जो कि HDR10 भी सपोर्ट करता है, तो डिस्प्ले काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है। अगर बात आती है परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 730G के बहुत ही पावरफुल गेमिंग चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया। ये प्रोसेसर मिड रेंज सेगमेंट में सबसे पावरफुल चिपसेट है, और फुल व्यू डिस्प्ले के ऊपर आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा होगा, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट इट्स कैमरा, ये डिवाइस 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस का सपोर्ट दिया गया है। अब मोटोरोला का डिवाइस है तो डेफिनेटली कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट कैमरा, दिस इज ओनली द फर्स्ट डिवाइस इन इंडिया जहाँ आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ में बैटरी फीचर को भी काफ़ी अच्छे से अपग्रेड किया गया है। ये डिवाइस 5000mAh की बैटरी को पावर करता है विथ 18W फास्ट चार्जिंग, सो बैटरी बैकअप को लेकर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ऑब्वियसली मोटोरोला स्मार्टफोन्स के साथ में देखने को मिलती है, ये डिवाइस प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर आता है, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से स्टॉक एंड्रॉइड को काफी सारे लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर हाईफाई स्पीकर आउटपुट देखने को मिलता है। ये डिवाइस 6GB 128GB के स्टोरेज ऑप्शन पर 17,000 के प्राइस पर अवेलेबल है, रैम टाइप DDR4 और स्टोरेज टाइप UFS 2.1 का दिया गया, साथ में एडिशनली आपको मोटो एक्शन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये डिवाइस 24 जून को फर्स्ट सेल के लिए एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग भी देखने को मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये डिवाइस रियलमी, शाओमी और सैमसंग जैसे ब्रांड को काफी टफ कॉम्पिटिशन देने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कॉमेंट्स में बताना अगर आप इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। मेरे उस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।